हेलो, स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर यूनिट टू बेसल्स फंक्शन का। ठीक है, तो ये रिकरेंस फॉर्मूला है जो कि आपको पूछा गया है समर 18 में और समर 19 में, 4 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, xjp'=pjp-xjp+1। हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग हमारा रिकरेंस फॉर्मूला jp(x) का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, jp(x) का वैल्यू क्या होता है? समेशन आर इक्वल टू 0 to ∞ -1 to the power r 1/r⁻ गम ऑफ पी प्लस आर प्लस 1 x/2 to the power p+2। ठीक है, आपने ये वैल्यू लिखा। अब आप क्या करोगे? इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यूज यही से, सिर्फ x पे डिफ्रेंशिएशन अप्लाई होगा। ठीक है, जब आप x पे डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करोगे तो क्या होगा? पी प्लस 2r रहेगा x^p+2r-1। ठीक है, 2^p+2r एज इट इज रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स समेशन आर इक्वल टू 0 to ∞ -1 to the power r/r⁻ गम ऑफ पी प्लस आर प्लस 1 एज इट इज रहेगा। ठीक, हम क्या करते हैं, ये x/2 का पावर जो है वो सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं 2 को बाहर लिख दूँ, अगर हम 2 को बाहर लिख दें तो क्या होगा? यहाँ पे -1 हो जाएगा, है ना। तो यानी x/2 अगर मैं लिखती हूँ और उसका पावर p+2r-1 कर देती हूँ, यहाँ पे p+2r है, पर जब मैं 2 को बाहर निकालूंगी तो उसका पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब हम x/2 जो है वो साथ में लिख सकते हैं p+2r-1 की तरह। ठीक है, r फैक्टोरियल गम ऑफ p+r+1 jp-(x)। ठीक है, अब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xjp'(x) हो जाएगा। समेशन -1 to the power r p+2r। अब ये x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा? x/2 हो जाएगा। और यहाँ पे होगा x/2 to the power p+2r-1 r फैक्टोरियल गाम ऑफ p+r+1। इन दोनों का पावर अब क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यानी x/2 p+2r+1 -1 कैंसिल हो जाएगा, p+2r हो गया। -1 to the power r p+2r r फैक्टोरियल गाम ऑफ p+r+1 समेशन xjp'(x)। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली है। अब इस वैल्यू को हम नाम देते हैं, इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं। ठीक है, इसका यूज हमें हमारे फॉर्मूला 2 में भी होने वाला है, इसलिए हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे? p को और 2r को सेपरेट करेंगे, दो समेशंस में बांटेंगे। तो हमने लिखा xjp'(x) = यहाँ पे समेशन r=0 to ∞ -1 to the power r p/r⁻ γ(p+r+1) x/2 to the power p+2r plus summation r=0 to ∞ -1 to the power r। यहाँ पे 2r लिखा हमने, r^γ(p+r+1) x/2 to the power p+2r। ठीक, ये p को हम बाहर निकालते हैं, बचेगा क्या? समेशन में r=0 to ∞ -1 to the power r x/2 p+2r r फैक्टोरियल गम ऑफ p+r+1। ठीक है, प्लस ये वैल्यू रहेगी समेशन r=0 to ∞ -1 to the power r 2r r factorial gamma of p plus r plus 1 x/2 p+2r। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है इसका वैल्यू होगा jp(x)। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसका वैल्यू है jp(x)। jp(x) का सेम फॉर्मूला है। ठीक है, अभी यहाँ पे जब हम जीरो पुट करेंगे, r=0 to ∞ यहाँ पे जब हम जीरो पुट करेंगे, r यानी जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? जीरो फैक्टोरियल तो इन्फिनिटी होता है, है ना। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो
आपको वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाएगी, यानी यहाँ पे इन्फिनिटी यानी न्यूमरेटर में क्या हो गया, न्यूमरेटर में आपको वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर में वैल्यू जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो समेशन है, समेशन जो है वो सिर्फ आर इक्वल टू वन से स्टार्ट होगा। ठीक, हम एक काम करते हैं, x बाई टू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, x बाई टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर टू आर आर फैक्टोरियल पी प्लस आर प्लस वन एक्स बाई टू टू द पावर पी प्लस टू आर माइनस वन। ये टू कैंसिल हो जाता है, पी जे पी ऑफ एक्स, यहाँ पे x बचता है समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर 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 फैक्टोरियल पी प्लस आर प्लस वन एक्स बाई टू टू द पावर पी प्लस टू आर माइनस वन। ठीक है, अब ये देखिए आर फैक्टोरियल है और आर है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, सो दैट आर आर कैंसिल हो जाए और हमें डिनोमिनेटर में सिर्फ आर माइनस वन फैक्टोरियल मिले। ठीक है, तो हमने r कैंसिल कर दिया और हमें r माइनस वन फैक्टोरियल मिल गया। ठीक है, अभी यहाँ पे जब r इक्वल टू जीरो पुट करोगे आप, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, r माइनस वन फैक्टोरियल है फॉर r इक्वल टू जीरो, ये आपको क्या मिलेगा, माइनस वन फैक्टोरियल, जो कि इक्वल टू होता है इन्फिनिटी। और ये आपको इन्फिनिटी कहाँ मिल रहा है, डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स कि न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा, जीरो। दैट मीन्स कि जो समेशन है वो न्यूमरेटर में जीरो वैल्यू दे रही है, तो यानी ये जो समेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आर इक्वल टू वन से स्टार्ट होगा, वन टू इन्फिनिटी, क्योंकि आर इक्वल टू जीरो पे तो वैल्यू हमको जीरो मिल रही है, तो ये समेशन स्टार्ट होगा वन से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यानी माइनस वन टू द पावर आर हो गया, आर माइनस वन फैक्टोरियल पी प्लस आर प्लस वन एक्स बाई टू टू द पावर पी प्लस टू आर माइनस वन एक्स जे पी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, जब भी ये वैल्यू इस तरीके से होती है आर इक्वल टू वन या फिर आर इक्वल टू टू या फिर जो भी वैल्यू होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, आर माइनस वन को इक्वल टू एस, आर माइनस वन को इक्वल टू एस कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, यानी आर इक्वल टू क्या हो गया, एस प्लस वन। ठीक है, अगर हम इफ आर इक्वल टू वन देन, अगर आर वन कब रहेगा, जब एस का वैल्यू जीरो रहेगा था। ठीक है, एंड आर इक्वल टू इन्फिनिटी, तो एस क्या रहेगा, इन्फिनिटी। दैट मीन्स आप क्या करोगे, आर की जगह एस प्लस वन सब्सिट्यूट करोगे। दैट मीन्स ये वैल्यू हो गया एक्स जे पी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू पी जे पी प्लस एक्स समेशन, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आर माइनस वन की जगह एस इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन, आर की जगह आपको क्या लिखना है, एस प्लस वन, आर की जगह आपको लिखना है एस प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल गामा ऑफ पी प्लस एस प्लस वन प्लस वन एक्स बाई टू पी प्लस टू आर एस के टू एस प्लस टू माइनस वन। दैट मीन्स ये वैल्यू इक्वल टू आएंगी पी जे पी प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस वन आप बाहर निकालते हो समेशन में, माइनस वन टू द पावर एस लिखते हो, ये हो जाएगा एस फैक्टोरियल गामा ऑफ क्या होगा, पी प्लस एस प्लस टू एक्स बाई टू, ये होगा पी प्लस टू एस माइनस वन। ठीक है, पी जे पी एज इट इज माइनस एक्स समेशन एस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एस एस फैक्टोरियल, ये इसे आप क्या लिख सकते हो, पी प्लस वन लिख सकते हो प्लस एस प्लस वन एक्स बाई टू। ठीक है, टू माइनस वन प्लस वन हो गया, यानी ये क्या होगा, पी प्लस वन प्लस टू एस। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म है पी प्लस वन के फॉर्म में है, दैट मीन्स आप क्या लिखोगे, माइनस एक्स जे ऑफ पी प्लस वन का ये एक्सपांशन है। ठीक है, यानी एक्स जे पी डैश ऑफ एक्स है, ये वैल्यू आप इतनी निकल चुके हो जो आपको पूछी गई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसे। स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, हमें सेकेंड फॉर्मूला प्रूफ करना है, हमारा जो इक्वेशन वन इसके पहले हमने लिखाया था सेम आपको वो फॉर्मूला लिखना है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे,
प्लस भी और माइनस भी सब्सिट्यूट करूंगी, सो दैट जब आप यहाँ पे प्लस भी करोगे तो ये टू भी हो जाएगा, टू भी प्लस टू और माइनस भी हो जाएगा, ठीक। यानी आप आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी लिख रहे हो, माइनस वन टू द पावर आर लिख रहे हो, आर फैक्टोरियल गामा पी प्लस आर प्लस वन, टू पी हो गया, टू आर हो गया, माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। एक्स बाई टू टू द पावर पी प्लस टू आर। अब आप क्या करोगे, सेपरेट करो टर्म्स को, ये माइनस पी वाला टर्म पहले लिखो, समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर, आर फैक्टोरियल पी प्लस आर प्लस वन, एक्स बाई टू टू द पावर पी प्लस टू आर प्लस समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर, टू कॉमन आउट ले लो, पी प्लस आर लिखो, यहाँ पे क्या बचेगा, आर फैक्टोरियल गामा पी प्लस आर प्लस वन, यहाँ पे एक्स बाई टू है टू द पावर पी प्लस टू आर, ठीक है। तो हमारा एक्स जे पी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, माइनस पी। अभी जो समेशन वाली जो ब्रैकेट टर्म थी, समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर, आर फैक्टोरियल गामा ऑफ पी प्लस आर प्लस वन, एक्स बाई टू टू द पावर पी प्लस टू आर था, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएंगी, जे पी ऑफ एक्स हो जाएंगी, ठीक है। प्लस समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर, यहाँ से आप टू कॉमन लेते हो, पी प्लस आर लिखते हो, आर फैक्टोरियल है पी प्लस आर प्लस वन है, ठीक है। अब ये जो एक्स बाई टू है उसे आप सेपरेट करते हो, यहाँ पे आपने लिखा पी प्लस टू आर माइनस वन और यहाँ पे ये प्लस वन है, सो दैट ये टर्म जो है पी प्लस टू आर प्लस वन हो जाए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टू टू कैंसिल कर दोगे, एक्स जे पी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस पी, ये वैल्यू जो है वो क्या है, जे पी ऑफ एक्स, ठीक है। प्लस अभी आपके पास ये जो एक्स वाला, ये एक्स वाला टर्म है उसे आप बाहर लिख सकते हो, समेशन में आएगा आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर पी प्लस आर, आर फैक्टोरियल गामा ऑफ पी प्लस आर प्लस वन, एक्स बाई टू टू द पावर पी प्लस टू आर माइनस वन, ठीक है। पी प्लस टू आर माइनस वन बचा, तो यानी इसे लिखा माइनस पी जे पी प्लस एक्स, ठीक है। ये टर्म जो है इसे आप थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, यानी यहाँ पे समेशन लिखा आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर पी प्लस आर एज इट इज, ठीक है। आर फैक्टोरियल लिखा, ये पी, ये इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, पी प्लस आर, ये जो वैल्यू है वो आपको मिलेंगी पी प्लस आर गामा पी प्लस आर, ठीक है। एक से रिड्यूस होती है गामा पी प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेंगे एक्स बाई टू टू द पावर पी प्लस टू आर माइनस वन, क्योंकि फॉर्मूला होता है गामा ऑफ एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन माइनस वन गामा ऑफ एन माइनस वन, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके जगह हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, माइनस पी जे पी प्लस एक्स समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर, आर फैक्टोरियल गामा ऑफ पी प्लस आर एक्स बाई टू टू द पावर पी प्लस टू आर माइनस वन। तो आपको इसको फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या करोगे, आप प्लस वन माइनस वन सब्सिट्यूट करोगे, ठीक है। पावर में पी माइनस वन तो है ही, यानी एक्स समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर, आर फैक्टोरियल गामा, आप यहाँ पे पी माइनस वन लिखते हो, प्लस आर प्लस वन लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज वैल्यू है एक्स बाई टू, यहाँ पे वैल्यू है पी माइनस वन प्लस टू आर पी जे पी माइनस ऑफ, ठीक है। ये एक्स जे पी डैश, यानी एक्स जे पी डैश का वैल्यू क्या है, माइनस पी जे पी प्लस एक्स। अब ये जो समेशन है टोटल, ये समेशन आप क्या लिख सकते हो, ये जो समेशन आप लिख सकते हो जो पी माइनस वन, क्योंकि जहाँ जहाँ पी चाहिए वहाँ वहाँ पी माइनस वन है, दैट मीन्स ये हमारा सेकेंड रिकरेंस फॉर्मूला जो है वो डिड्यूस हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. प्रूव दैट जे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज रिपीटेड रूट एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. एक्स इज इक्वल टू जीरो के अलावा बाकी वैल्यूज पे इसे जे पी ऑफ एक्स को रिपीटेड रूट्स नहीं होंगे, ये हमें बताना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से इसे प्रूव करते हैं. जैसे अज्यूम क्या करते हैं कि ए जो है वो जीरो नहीं है, यानी ए ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसको रिपीटेड रूट्स है. किसको? जे पी ऑफ एक्स को. दैट मीन्स रिपीटेड रूट्स है, यानी जे पी ऑफ ए जब आप पुट करोगे तो भी वैल्यू जीरो आएंगी, और जे पी डैश ऑफ ए में भी जब वैल्यू पुट करते हो तो वैल्यू जीरो आएगी. तो आप अपना रिकरेंस फॉर्मूला वन इस तरीके से लिखते हो, रिकरेंस फॉर्मूला टू इस तरीके से लिखते हो. ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि P जे पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, जे पी डैश ऑफ ए इक्वल टू जीरो है. यहाँ पे भी जे पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, जे पी डैश ऑफ ए इक्वल टू जीरो है. दैट मीन्स पी प्लस वन इक्वल टू जीरो हो गया एट पॉइंट ए, और पी माइनस ए इक्वल टू जीरो हो गया एट पॉइंट ए. दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू जो है आपकी जीरो आ रही है, पी प्लस वन और पी माइनस वन दोनों वैल्यू जीरो आ रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू डिफरेंट पावर सीरीज, जो p प्लस वन है और p माइनस वन है, ये दो डिफरेंट पावर सीरीज है, हैव द सेम सम फंक्शन, जो कि सिर्फ जीरो फंक्शन दे रही है ना, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है. जीरो सम फंक्शन नहीं दे सकती है, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगी, क्योंकि वो पावर सीरीज है, डिफरेंट वैल्यू देनी चाहिए, पर वो जीरो दे रही है, इसका मतलब वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. इसका मतलब जे पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कैन नॉट हैव रिपीटेड रूट्स एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी सिर्फ x इज इक्वल टू जीरो पे ही रिपीटेड रूट्स है, बाकी वैल्यू पे रिपीटेड रूट्स नहीं है. ठीक है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में.